आभार प्रकट करती हूँ कि आज आप इस प्रेस वार्ता को कवर करने के लिए आए। आज की प्रेस वार्ता एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे है, जो एक बहुत चिंता का विषय है पूरे यूटी के लिए, पूरे प्रदेश के लिए। वो है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर को सबसे ज्यादा बिजली उत्पादक माना जाता है और हम एक इलेक्ट्रिसिटी रिच और हाई पोटेंशियल स्टेट है, हाई पोटेंशियल यूटी है। इनफैक्ट यूटी जिसमें आज एक खबर आती है कि यहाँ 14,164 करोड़ का आउटस्टैंडिंग है इस यूटी पे। ये बहुत ही शर्मनाक है कि जहाँ भारतीय जनता पार्टी अपने बड़े बड़े दावे करती है, उनके दावे बिल्कुल खोखले साबित होते हैं। मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस वक्त सत्ता के नशे में चूर है। उस वो बिल्कुल जन विरोधी नीतियों को अपनाते हुए, उसके विपरीत अगर आप देखें आम आदमी पार्टी जो दिल्ली के अंदर एक ऐसी सरकार देने में कामयाब हुई है, जहां हम 89% लोगों को सब्सिडाइज रेट पे बिजली दे रहे हैं और 58% लोगों बिल्कुल जो बिल है वो शून्य आते हैं और 24 घंटे बिना कटौती के बिजली हम वहां देते हैं और सरकार वहां प्रॉफिट में है। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को इस जो यहाँ बिजली के संसाधन थे उन पे काम करना चाहिए था और यहाँ हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए इस तरह के संसाधनों पे काम करते हुए जम्मू कश्मीर प्रदेश को 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाई जानी चाहिए थी। जबकि आज भी देखा जाए तो अधिकतर क्षेत्र जो है वो आज बिजली के बिना, बिजली की लंबी लंबी कटौतियां, हम अर्बन एरिया में 4-4 घंटे के लंबे कट देखते हैं और वहीं जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो रूरल क्षेत्र है, जो पहाड़ी इलाका है, वहां तो 10-10 घंटे के बॉर्डर एरिया में 10-10 घंटे की लंबी कटौती का सामना लोगों को करना पड़ता है। मेरा ये मानना है जिस तरह से आज ये जो एक डाटा सामने आया है कि 14,164 करोड़ का जो एक डेफिसिट है, जिसका भुगतान यहाँ राज्य सरकार को करना है, ये एक बहुत बड़ी नाकामयाबी है एलजी सरकार की और केंद्र सरकार जो चला रही है इसको रिमोट कंट्रोल से केंद्र द्वारा। आज भाजपा जो है वो जिस तरह से काम कर रही है, बिल्कुल उनको ये समझ नहीं आ रहा कि जम्मू कश्मीर के लोग जो है ऑलरेडी अंधेरे में उनका उन्होंने भविष्य लिख दिया है। और अगर ये कटौती, अगर आज स्टेट जो हमने देखा कि पिछले गर्मियों में किस तरह से हमें एक लंबी कटौती का यहाँ सामना करना पड़ा, पूरे हमारे प्रदेश को उन्होंने अंधेरे में कर दिया। आने वाला समय अगर भारतीय जनता पार्टी ने इस पे कार्य नहीं किया तो मुझे लगता है पूरे प्रदेश जो है वो अंधेरे में होगा। वो यहाँ पे बिल्कुल एक मुझे लगता है कि आज जिस तरह से पूरा देश भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से एक आक्रोश है लोगों के मन में और वही आम आदमी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होके वो आम आदमी पार्टी के साथ चल पड़ा है। हमने देखा किस तरह से गुजरात के लोग आज लोग हमारी आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं और वो चाहते हैं कि एक बदलाव आए और वो उस बदलाव को आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में देखते हैं। अरविंद केजरीवाल जी की जो नीतियां हैं उससे प्रभावित होके आज पूरा देश, पूरा विश्व उस मॉडल ऑफ गवर्नेंस के साथ चलना चाहता है। आज मुझे लगता है कि एक जो सुनहरा भविष्य इस विश्व को और इस स्टेट को जो कोई दे सकता है तो वो एक आम आदमी पार्टी है। हमने देखा कि दो स्टेट्स में हमने किस तरह से बिजली पे कार्य किया और हमने जो वादा किया था कि 300 यूनिट हर आदमी को मुफ्त मिलेंगी, पंजाब के अंदर भी सरकार बनते ही हमने उस पर काम किया और वो यूनिट उनको मुफ्त मिली, लोगों के बिल जीरो आए। मेरा ये मानना है कि जो आम आदमी पार्टी है वो लोगों के लिए कार्य करती है, किस तरह से प्लानिंग और एग्जीक्यूशन पे काम करती है, अध्ययन करती है और ये सुनिश्चित करती है कि लोक हित को किस तरह से ध्यान में रखते हुए उस पे कार्यरत है। मेरा ये मानना है कि उसके विपरीत जो एग्जीक्यूशन है बीजेपी की और जो उनकी पॉलिसी है और जो उनकी नाकामयाबी है करप्शन को कंट्रोल करने में, वही एक बड़ा रीजन है कि इतना बड़ा जो एक आज हमने देखा कि एक आंकड़ा सामने आया। हमारा ये मानना है कि आने वाला समय जो है, जिस तरह से पंजाब के लोगों ने और दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी पे भरोसा दिखाया, उसी तरह से आने वाला समय हिमाचल और गुजरात में लोग हमारे साथ चल दिए और आने वाला समय जो पूरा देश हमारी नीतियों से प्रभावित होके आज हमारे साथ चलने को तैयार है, क्योंकि हमने एक करप्शन फ्री मॉडल उनको देके दिखाया है। हमने 24 घंटे बिना कटौती के बिजली लोगों को दी है, जनहित के काम किए हैं और लोगों के लिए कार्यरत है कि लोगों के लिए किस तरह से लोगों के लिए हम काम करें, लोगों को सुविधाएं उपलब्ध करा सके। राजनीति जो आज भाजपा का एजेंडा है,
जिस द्वेष की राजनीति पे वो अपनी रोटियां सेकते हैं, लोग आज उसको जान चुके हैं और लोग ये मानते हैं कि आज आम आदमी पार्टी जो हर हर आम आदमी पार्टी जो है वो लोगों के लिए काम करती है और लोगों को सुविधाएं देने में बिल्कुल सक्षम है। हमारा ये मानना है कि लोगों को लोक हित के लिए काम करना चाहिए जो सरकारें होती हैं, वही वो भाजपा जो है जो यहाँ केंद्र द्वारा शासित प्रदेश को चला रही है रिमोट कंट्रोल से, एलजी साहब को ये देखना चाहिए कि किस तरह से लोगों के लिए कार्य हो और ये पूरा प्रदेश जो है वो कल अंधेरे में ना हो, इस पे उन्हें काम करना होगा और मुझे लगता है सरकारें इसके लिए बाध्य होगी।